उमर बिन हफ्स बिन गयास ने बयान किया, मुझे मेरे वालिद हफ्स बिन गयास ने हदीस बयान की। कहा, हमें जाफर बिन मोहम्मद ने बयान किया। कहा, मुझे मेरे वालिद ने हदीस बयान की कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास आया और उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के मुतालिक सवाल किया। आगे हातिम बिन इस्माइल की तरह हदीस बयान की। अलबत्ता इस हदीस में यह इजाफा किया, इस्लाम से कबल अरब को अबू सय्यार नामी शख्स अपने बेपालान कदे पर लेकर चलता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना से आते हुए मुज़दलिफा में मशारे हराम को अबूर किया, कुरैश को यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी पर रुक जाएंगे, मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामगाह यहीं होगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गुजर गए और उसकी तरफ रुख न किया, हत्ता के अरफा तशरीफ ले आए और वहां पड़ाव फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2951। हजरत जाफर ने इसी सनद के साथ हदीस बयान की। कहा, मुझे मेरे वालिद ने जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करदा अपनी इस हदीस में यह भी बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने यहाँ कुर्बानी की है लेकिन पूरा मीना कुर्बान का है, इसलिए तुम अपने अपने पड़ाव ही पर कुर्बानी करो। मैंने उसी जगह वकूफ किया है लेकिन पूरा अरफा ही मकाम वकूफ है और मैंने मुज़दलिफा में यहाँ वकूफ किया है यानी ठहरा हूँ, और पूरा मुज़दलिफा मौकिफ है यानी उसमें कहीं भी पड़ाव किया जा सकता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2952। सुफियान सौरी ने जाफर बिन मोहम्मद से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने साबिका सनद के साथ जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के तशरीफ लाए तो हजरे अस्वद के पास आए, उसे बोसा दिया, फिर तवाफ के लिए अपनी दाई जानिब रवाना हुए। तीन चक्करों में छोटे छोटे कदम उठाते हुए तेजी से और बाकी चार में आम रफ्तार से चले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2953। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि कुरैश और वो लोग जो कुरैश के दीन पर थे मुज़दलिफा में वकूफ करते थे और अपने आप को हम्स कहते थे। अबुल हैसम ने कहा है कि यह नाम कुरैश का है और उनकी औलाद का और किनाना और जदीला कैस का, इसलिए कि वो अपने दीन में हम्स रखते थे यानी तशद्दुद और सख्ती करते थे, और बाकी अरब के लोग अराफा में वकूफ करते थे। फिर जब इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि अराफात में आए और वहां वकूफ फरमाए और वहीं से लौटें, और यही मतलब है इस आयत का कि वहीं से लौटो जहां से सब लोग लौटते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2954। अबू उसामा ने कहा, हमें हिशाम ने अपने वाली से बयान किया। कहा, हम्स कहलाने वाले कबाइल के अलावा अरब के तमाम कबाइल उरिया होकर बैतुल्लाह का तवाफ करते थे। हम से मुराद कुरैश और उनकी बाहर ब्याही हुई खवातीन के यहाँ जन्म लेने वाले हैं। आम लोग बरहना ही तवाफ करते थे सिवाय उनके जिन्हें अहले हम्स कपड़े दे देते। दस्तूर ये था कि मर्द मर्दों को तवाफ के लिए लिबास देते और औरतें औरतों को। इसी तरह हम्स यानी दौरान हज मुज़दलिफा से आगे नहीं बढ़ते थे और बाकी सब लोग अराफात तक पहुंचते थे। हिशाम ने कहा, मुझे मेरे वालिद उरवा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हदीस बयान की। उन्होंने फरमाया, ये हम्स ही थे जिनके मुतालिक अल्लाह तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, फिर तुम वहीं से तवाफ के लिए चलो जहां से दूसरे लोग चलें। उन्होंने फरमाया, लोग हज में अराफा से लौटते थे और अहले हम्स मुज़दलिफा से चलते थे और कहते थे, हम हरम के सिवा कहीं और से नहीं चलेंगे। जब आयत फिर तुम वहीं से चलो जहां से दूसरे लोग चले नाजिल हुई तो ये अराफात की तरफ लौट आए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2955। मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम ने अपने वालिद हजरत जुबैर बिन मुतइम रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस बयान की। उन्होंने कहा, मैंने अपना एक ऊंट खो दिया। मैं अरफा के दिन उसे तलाश करने के लिए निकला तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के साथ अरफात में खड़े देखा। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अहले हम्स में से हैं, आपका यहाँ अरफात में क्या काम, क्योंकि कुरैश हम्स में शुमार होते थे और आप कुरैशी ही थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2956। सैयदना अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं,
कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की कंकरीली जमीन में ऊन बिठाए हुए थे, यानी वहां मंजिल की हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि तुमने किस नियत से एहराम बांधा है। मैंने अर्ज किया कि जिस नियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम कुर्बानी साथ लाए हो। मैंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल्लाह और सफा व मरवा का तवाफ करके एहराम खोल डालो। बस मैंने बैतुल्लाह का तवाफ और सफा मरवा की सई की। फिर मैं अपनी कौम की एक औरत के पास आया, ये उनकी महरम थी, तो उसने मेरे सर में कंघी की और मेरा सर धो दिया। फिर मैं अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की खिलाफत में लोगों को यही फतवा देने लगा, यानी जो बगैर कुर्बानी के हज पर आए तो वो उमरा करने के बाद एहराम खोल दे, फिर यौम तरविया यानी 8 जिलहज को दोबारा हज का एहराम बांधे। लेकिन एक मर्तबा मैं हज के मकाम पर खड़ा था कि अचानक एक शख्स आया। उसने कहा कि तू तो एहराम खोलने का फतवा देता है। आप जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानी के मुतालिक नया काम शुरू कर दिया, यानी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कहना था कि उमरा करके एहराम को खोलना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा, ऐ लोगो, हमने जिसको इस मसले का फतवा दिया है उसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु आने वाले हैं, लिहाजा उनकी पैरवी करो। जब सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु आए तो मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने कुर्बानी के मुतालिक ये क्या नया मसला बताया है। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर आप अल्लाह की किताब कुरान पर अमल करें तो कुरान कहता है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, यानी हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो, यानी एहराम न खोलो। और अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें तो उनका अपना तरीका ये था कि उन्होंने एहराम उस वक्त तक न खोला जब तक कुर्बान न कर ली, यानी आप उम्रा और हज के दरमियान हलाल नहीं हुए। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2957। मुआज बिन मुआज ने कहा, हमें शोबा ने इसी सनद से इसी की मानिंद हदीस बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2958। सुफियान सौरी ने कैस बिन मुस्लिम से, उन्होंने तारिक बिन शिहाब से, उन्होंने हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा, सैयदना अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर वादी बथा में सवारियां बिठाए हुए यानी पड़ाव डाले हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि तुमने कौन सा तल्बिया पुकारा है, हज का, उमरे का या दोनों का। मैंने अर्ज की, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तल्बिया पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम कुर्बानी साथ लाए हो। मैंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल्लाह और सफा व मरवा का तवाफ करके एहराम खोल डालो। बस मैंने बैतुल्लाह का तवाफ और सफा व मरवा की सई की। फिर मैं अपनी कौम की एक औरत के पास आया, ये उनकी महरम थी, तो उसने मेरे सर में कंघी की और मेरा सर धो दिया। फिर मैं अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की खिलाफत में लोगों को यही फतवा देने लगा, यानी जो बगैर कुर्बानी के हज पर आए तो वो उमरा करने के बाद एहराम खोल दे, फिर यौम तरविया यानी 8 जिलहज को दोबारा हज का एहराम बांधे। लेकिन एक मर्तबा मैं हज के मकाम पर खड़ा था कि अचानक एक शख्स आया। उसने कहा कि तू तो एहराम खोलने का फतवा देता है। आप जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानी के मुतालिक नया काम शुरू कर दिया, यानी उमर तक कुर्बानी न कर ली। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2959। अबू उमैस ने हमें कैस बिन मुस्लिम से खबर दी, उन्होंने तारिक बिन शहाब से, उन्होंने हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा था, फिर मेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस साल मुलाकात हुई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त किया, अबू मूसा, तुमने कौन सा तल्बिया पुकारा है, हज का, उम्रे का या दोनों का। मैंने अर्ज की,
मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तल्बिया पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम कुर्बानी साथ लाए हो? मैंने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल्लाह और सफा मरवा का तवाफ करके एहराम खोल डालो। आगे अबू उमैस ने शुबा और सुफियान ही की तरह हदीस बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2960। इब्राहिम बिन अबी मूसा ने हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि वो हज तमत्तु करने का फतवा दिया करते थे। एक शख्स ने उनसे कहा, अपने बाज फतवों में जरा रुक जाओ, तुम नहीं जानते कि अब अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मनासिक हज के मुतालिक क्या नया फरमान जारी किया है। बाद में अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई तो अबू मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे दरियाफ्त किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म सादिर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उस पर अमल किया, लेकिन मुझे यह बात नागवार मालूम हुई कि लोग अराफात के पास वादी अरफा के करीब अराक मकाम में या पीलू के दरख्तों की ओट में अपनी औरतों के साथ लुत्फंदोज होते रहे। फिर जब वो आठ जिल हज योम तरबिया की सुबह हज के लिए चलें, तो गुस्ल जनाबत करें और उनके सरों से पानी टपक रहा हो। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2961। मोहम्मद बिन जाफर ने कहा, हमें शौबा ने कतादा से हदीस बयान की। कहा, अब्दुल्ला बिन शकीक ने बयान किया, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो हज तमत्तु से मना फरमाया करते थे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इसका हुक्म देते थे। एक मर्तबा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से इस बारे में कोई बात कही। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज तमत्तु किया था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, जी बिल्कुल किया था, लेकिन उस वक्त हम खौफजदा थे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2962। खालिद यानी इब्ने हारिस ने हमें हदीस बयान की। हमें शोबा ने इसी सनद के साथ उसी मस्कूरा बाला हदीस के मानिंद हदीस बयान की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2963। अम्र बिन मुर्रा ने सईद बिन मुसैयब से रिवायत की। कहा, एक मर्तबा मकामे उस्फान पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु इकट्ठे हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो हज तमत्तु से या हज के महीनों में उम्रा करने से मना फरमाते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, आप इस मामले में क्या करना चाहते हैं जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु उससे मना फरमाते हैं? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आप अपनी राय के बजाय हमें हमारी राय पर छोड़ दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह इसरार देखा तो हज उमरा दोनों का तल्बिया पुकारना शुरू कर दिया ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तमत्तो भी राइज रहे। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2964। आमश ने इब्राहिम तैमी से, उन्होंने अपने वालिद यजीद बिन शरीक से, उन्होंने हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने फरमाया, हज में तमत्तो यानी हज का एहराम बांधना फिर उमरा करके एहराम खोल देना सिर्फ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए खास था। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2965। अयाश आमिरी ने इब्राहिम तैमी से, उन्होंने अपने वालिद यजीद बिन शरीक से, उन्होंने अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, यह रुखसत हमारे ही लिए थी यानी हज में तमत्तो की। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2966। जुबैद ने इब्राहिम तैमी से, उन्होंने अपने वाले से रिवायत की। कहा, अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दो मुताए हमारे अलावा किसी के लिए सही नहीं हुए यानी औरतों से निकाह मुता करना और हज में तमत्तो यानी हज का एहराम बांध कर आना फिर उसे उमरा करके हज से पहले एहराम खोल देना, दरमियान के दिनों में बीवियों और खुशबू वगैरह से मुतमत्ते होना और आखिर में रवानगी के वक्त हज का एहराम बांधना। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2967।
हमें कुतैबा ने हदीस बयान की, कहा हमें जरीर ने बयान से उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अबी शासा से रिवायत की, कहा मैं इब्राहिम नखाई और इब्राहिम तैमी के पास आया और उनसे कहा मैं चाहता हूँ कि इस साल हज और उम्रे दोनों को इकट्ठा अदा करूँ। इब्राहिम नखाई ने मेरी बात सुनकर कहा तुम्हारे वालिद अबू शासा तो कभी ऐसा इरादा भी न करते। उतैबा ने कहा हमें जरीन ने बयान से हदीस बयान की, उन्होंने इब्राहिम तैमी से, उन्होंने अपने वालिद यजीद बिन शरीक से रिवायत की कि एक मर्तबा उनका गुजर रबाजा के मकाम पर हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास से हुआ। उन्होंने उनसे हज में तमत्तो का जिक्र किया। हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया ये तुम लोगों को छोड़कर खास हमारे लिए था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2968। मरवान बिन मुआविया ने कहा हमें सुलेमान तैमी ने गुनाइम बिन कैस से खबर दी, उन्होंने कहा मैंने साहद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु से हज तमत्तो के बारे में इस्तफसार किया, उन्होंने कहा हमने हज तमत्तो किया था और ये मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उन दिनों साहिबानों वाले घरों में खुद को ढांपे हुए यानी मुकीम थे यानी मक्के के घरों में। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हज इफराद पर इसरार करते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2969। यहया बिन सईद ने सुलेमान तैमी से इसी सनद के साथ रिवायत की और अपनी रिवायत में कहा उनकी मुराद हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2970। सुफियान और शोबा दोनों ने सुलेमान तैमी से इसी सनद के साथ उन दोनों मरवान और यहया की हदीस की तरह हदीस बयान की, अलबत्ता सुफियान की हदीस में है हज में तमत्तो के बारे में दरियाफ्त किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2971। हमें इस्माइल बिन इब्राहिम ने हदीस बयान की, कहा हमें जरीरी ने हदीस सुनाई, उन्होंने अबुल अला से, उन्होंने मुतर्रिफ से रिवायत की, मुतर्रिफ ने कहा इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे कहा मैं तुम्हें आज एक ऐसी हदीस बयान करने लगा हूँ जिससे अल्लाह ताला आज के बाद तुम्हें नफा देगा। जान लो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों में से कुछ को जुलहज में उम्रा करवाया, फिर ना तो कोई ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने उसे हज के महीनों में उम्रे को मंसूख करार दिया हो और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोका, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मंजिल की तरफ तशरीफ ले गए। बाद में हर शख्स ने जो राय कायम करना चाही कर ली। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2972। इसहाक बिन इब्राहिम और मोहम्मद बिन हातिम दोनों ने वकी से यह हदीस बयान की, कहा हमें सुफियान ने जरीरी से इसी सनद के साथ हदीस बयान की, अलबत्ता इब्ने हातिम ने अपनी रिवायत में कहा बाद में एक आदमी ने अपनी राय से जो चाहा नजरिया बना लिया, उनकी मुराद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2973। जाता था यहां तक कि बवास। हमें मुआज ने हदीस बयान की, कहा हमें शोबा ने हुमैद बिन हिलाल से, उन्होंने मुतर्रिफ से रिवायत की, उन्होंने कहा इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे कहा मैं तुम्हें एक हदीस बयान करता हूँ, वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह ताला तुम्हें उससे फायदा देगा। बिला शुबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे को यानी हज के महीनों में इकट्ठा किया, फिर आपने वफात तक उससे मना नहीं फरमाया और ना उसके बारे में कुरान ही में कुछ नाजिल हुआ जो उसे हराम करार दे, और ये भी बताया कि मुझे फरिश्तों की तरफ से सलाम किया जाता था, यहाँ तक कि बवासीर की बिना पर मैंने अपने आप को दगवाया तो मुझे सलाम कहना छोड़ दिया गया, फिर मैंने दगवाना छोड़ दिया तो फरिश्तों का सलाम दोबारा शुरू हो गया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2974। मोहम्मद बिन जाफर ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें शोबा ने हदीस सुनाई, उन्होंने हुमैद बिन हिलाल से रिवायत की, कहा मैंने मुतर्रिफ से सुना, उन्होंने कहा इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे कहा आगे मुआज की हदीस के मानिंद है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2975। कतादा ने मुतर्रिफ से रिवायत की, कहा जिस मर्ज में इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई उस दौरान में उन्होंने मुझे बुला भेजा और कहा मैं तुम्हें चंद अहादीस बयान करना चाहता हूँ, उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे बाद तुम्हें उनसे फायदा पहुंचाएगा। अगर मैं शिफायाब होकर जिंदा रहा
तो इन बातों को मेरी तरफ से पोशीदा रखना। अगर फौत हो गया तो चाहो तो बयान कर देना, मुझ पर फरिश्तों की जानिब से सलाम कहा जाता था। तफसील साबिका हदीस में है। और याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उमरे को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद ना तो उस बारे में अल्लाह की किताब नाजिल हुई और न आखिर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया। एक शख्स ने उसके बारे में अपनी राय से जो चाहा कहा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2976। हमें सईद बिन अबी अरूबा ने कतादा से हदीस बयान की। उन्होंने मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला बिन शखीर से उन्होंने इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने फरमाया, जान लो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उमरे को इकट्ठा किया था। उसके बाद ना तो इस मामले में अल्लाह की किताब में कोई बात नाजिल हुई और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन दोनों से मना फरमाया। फिर एक शख्स ने उसके बारे में अपनी राय से जो चाहा कहा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2977। हम्माम ने कहा, हमें कतादा ने मुतर्रिफ के वास्ते से हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस बयान फरमाई। कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में तमत्तो किया था और उसके बाद उसके मुतालिक कुरान नाजिल न हुआ कि ये दुरुस्त नहीं है। इसके मुतालिक एक शख्स ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2978। मोहम्मद बिन वासे ने मुतर्रिफ बिन अब्दुल्ला बिन शखीर से उन्होंने हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से यही हदीस बयान की। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज में तमत्तो यानी हज और उम्रे को एक साथ अदा किया और हमने भी आपके साथ हज में तमत्तो किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरान की सूरत में हज और उम्रा इकट्ठा अदा किया। जो कुर्बानियां साथ न लाए थे उन्होंने उन्हीं दिनों में अलग अलग एहराम बांध कर दोनों को अदा किया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2979। बिशर बिन मुफज्जल ने हमें हदीस बयान की। कहा, हमें इमरान बिन मुस्लिम ने अबू रजा से रिवायत की कि इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुता यानी हज में तमत्तु की आयत कुरान मजीद में नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसका हुक्म दिया। बाद अजा ना तो कोई आयत नाजिल हुई जिसने हज में तमत्तु की आयत को मनसूख किया और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया हत्ता कि आप फौत हो गए। बाद में एक शख्स ने अपनी राय से जो चाहा कहा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2980। यहया बिन सईद ने हमें इमरान कसीर से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, हमें अबू रजा ने इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसी सनत यानी मस्कूरा बाला रिवायत के मानिंद हदीस बयान की। अलबत्ता उसमें ये कहा कि हमने ये यानी हज में तमत्तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। यहया बिन सईद ने ये नहीं कहा, आपने हमें इसका हुक्म दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2981। सालिम बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तक उमरे से तमत्तु फरमाया और हदिया कुर्बानी का एहतमाम किया। आप सुलहुलैफा से कुर्बानी के जानवर अपने साथ चला कर लाए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज फरमाया तो पहले उमरे का तलबिया पुकारा, फिर हज का तलबिया पुकारा और लोगों ने भी आपके साथ हज तक उमरे से तमत्तो किया। लोगों में कुछ ऐसे थे, उन्होंने हदिया कुर्बानी का एहतमाम किया और कुर्बानी के जानवर चलाकर साथ लाए थे और कुछ ऐसे थे जो कुर्बानियां लेकर नहीं चले थे। जब आप मक्के तशरीफ ले आए तो आपने लोगों से फरमाया, तुम में से जो कुर्बानी ले चला वो इन चीजों से जिन्हें उसने एहराम बांध कर एहराम किया उस वक्त तक हलाल नहीं होगा जब तक हज को पूरा ना करे, और जो शख्स कुर्बानी नहीं लाया वो बैतुल्ला और सफा मरवा का तवाफ करे और बाल कुतरवा कर हलाल हो जाए और आरज़िल हज को फिर हज का एहराम बांध कर तलबिया पुकारे और रमी के बाद कुर्बानी करे, और जिसे कुर्बानी मुयसर न हो वो तीन दिन के हज के दौरान में और सात दिन घर लौट कर रोजे रखे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुंचे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ फरमाया, सबसे पहले हजरे अस्वद का इस्तेलाम किया, फिर तीन चक्करों में तेज चले और चार चक्कर मामूल की रफ्तार से चलकर लगाए। जब आपने बैतुल्लाह का तवाफ मुकम्मल कर लिया
तो मकाम इब्राहिम के पास दो रकातें अदा फरमाई, फिर सलाम फेरा और रुख बदल लिया। सफा पर तशरीफ लाए और सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। फिर जब तक आपने अपना हज मुकम्मल न किया, आपने ऐसी किसी चीज को अपने लिए हलाल न किया जिसे आपने हराम किया था। कुर्बानी के दिन आपने अपने कुर्बानी के ऊन नहर किए और तवाफ़ अफाज़ा फरमाया। फिर आपने हर वो चीज अपने लिए हलाल कर ली जो एहराम की वजह से हराम ठहराई थी, और लोगों में से जिन्होंने हदिया कुर्बानी का एहतमाम किया था और लोगों के साथ कुर्बानी के जानवर हांक कर ले आए थे, उन्होंने भी वैसा ही किया जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2982। इब्ने शिहाब ने उरवा बिन जुबैर से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें यानी उरवा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके हज के साथ उम्रे के तमत्तु के मुतालिक और जो आपके साथ थे उनके तमत्तु के मुतालिक उसी तरह खबर दी जिस तरह सालिम बिन अब्दुल्ला ने मुझे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खबर दी थी। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2983। याहिया बिन याहिया ने कहा, मैंने इमाम मालिक के सामने पढ़ा, उन्होंने नाफी से रिवायत की, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों का मामला क्या है? उन्होंने उम्रे के बाद एहराम खोल दिया है और आपने अपने उम्रे यानी आते ही तवाफ़ो सई जो उम्रे के मनसक के बराबर है के बाद एहराम नहीं खोला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने सर के बालों को गोंद या खत्मी बूटी से चिपका लिया और अपनी कुर्बानियों को हार डाल दिए, इसलिए मैं जब तक कुर्बानी न कर लूं एहराम नहीं खोल सकता। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2984। खालिद बिन महलद ने मालिक से, उन्होंने नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से, उन्होंने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की, उन्होंने फरमाया, मैंने अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि आपने एहराम नहीं खोला? आगे मस्कूरा बाला हदीस के मानिंद है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2985। उबैदुल्लाह ने कहा, मुझे नाफे ने इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से, उन्होंने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से खबर दी, उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, लोगों का क्या मामला है? उन्होंने एहराम खोल दिया है और आपने मनासिक अदा हो जाने के बावजूद अभी तक उम्रे का एहराम नहीं खोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी कुर्बानी के ऊंटों को हार पहनाए और अपने सर के बालों को गोंद से चिपकाया, मैं जब तक हज से फारिग न हो जाऊं एहराम से फारिग नहीं हो सकता। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2986। उबैदुल्ला ने नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे मालिक के हदीस के मानिंद है, अलबत्ता अल्फाज यूं है, मैं जब तक कुर्बानी न कर लूं एहराम से फारिग नहीं हो सकता। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2987। इब्ने जुरैज ने नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की, उन्होंने कहा, मुझे हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हदीस बयान फरमाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज को हज्जतुल वदा के साल हुक्म दिया था कि वो उमरा करने के बाद एहराम खोल दें। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने अर्ज की, आपको एहराम खोलने से क्या चीज माने है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने सर के बालों को चिपका चुका हूँ और अपनी कुर्बानी को हार भी पहना चुका हूँ, लिहाजा मैं जब तक अपनी कुर्बानी के ऊंट नहर न कर लूं एहराम नहीं खोल सकता। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2988। याहिया बिन याहिया ने कहा, मैंने इमाम मालिक के सामने हदीस की किरात की, उन्होंने नाफे से रिवायत की कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फितने के अय्याम में उमरे के लिए निकले और कहा, अगर मुझे बैतुल्ला जाने से रोक दिया गया तो हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा किया था। वो मदीने से निकले और मीकात से उमरे का तलबिया पुकारा
और चल पड़े। जब मकाम बैदा की बुलंदी पर नमूदार हुए तो अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, दोनों यानी हज और उम्रे का मामला एक ही जैसा है। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रे के साथ हज की नीयत भी कर ली है। फिर आप निकल पड़े। हत्ता के बैतुल्ला पहुंचे तो उसके गिर सात चक्कर लगाए और सफा व मरवा के माबेन भी सात चक्कर पूरे किए। उन पर कोई इजाफा नहीं किया। उनकी राय थी कि यही यानी एक तवाफ और एक सही उनकी तरफ से काफी है। और बात असा उन्होंने हज किरान होने की बिना पर कुर्बानी की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2989। उबैदुल्ला से रिवायत है, कहा मुझे नाफे ने हदीस बयान की कि जिस साल हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला नुमा से लड़ाई करने के लिए मक्के में पड़ाव किया तो अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला और सालिम बिन अब्दुल्ला ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नुमा से गुफ्तगू की कि अगर आप इस साल हज ना फरमाएं तो कोई हर्ज नहीं। हमें अंदेशा है कि लोगों यानी हज्जाज बिन यूसुफ और अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला नुमा की फौजों के दरमियान जंग होगी और आपके और बैतुल्लाह के दरमियान रुकावट हायल हो जाएगी, यानी आप बैतुल्लाह तक पहुंच नहीं पाएंगे। उन्होंने फरमाया, अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरमियान कोई रुकावट आ गई तो मैं वही करूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, यानी उस मौके पर मैं भी आपके साथ शरीक सफर था जब कुरैश मक्का आपके और बैतुल्लाह के दरमियान हायल हो गए थे। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उमरे की नीयत कर ली है। फिर हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा निकले। जब ज़ुल्हुलैफा पहुंचे तो उमरे का तलबिया पुकारा। फिर फरमाया, अगर मेरा रास्ता खाली रहा तो मैं अपना उमरा मुकम्मल करूंगा और अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरमियान कोई रुकावट पैदा हो गई तो मैं वही करूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था जब मैं भी आपके साथ था। फिर इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा ने ये आयत तिलावत फरमाई, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقينا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چل پڑے۔ جب مقام بیدہ کی بلندی پر پہنچے تو فرمایا، ان دونوں یعنی حج اور عمرے کا حکم ایک جیسا ہے۔ اگر میرے اور عمرے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو گئی تو وہی رکاوٹ میرے اور میرے حج کے درمیان حائل ہوگی۔ मैं तुम्हें गवाह ठहराता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज भी लाजिम ठहरा लिया है। आप चलते रहे हत्ता के मकाम कुदैत पर आपने कुर्बानी के ऊंट खरीदे। फिर आपने उन दोनों यानी हज और उम्रे के लिए बैतुल्ला और एहराम बांधा था उसे न खोला, यहाँ तक कि कुर्बानी के दिन हज मुकम्मल करके दोनों के एहराम से फारिग हुए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2990। इब्ने नुमैर ने हमें हदीस सुनाई, कहा हमें मेरे वालिद अब्दुल्ला ने उबैदुल्ला से, उन्होंने नाफे से रिवायत की, कहा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला नुमा ने उस मौके पर जब हज्जाज बिन यूसुफ इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला नुमा के मुकाबले में उतरा हज का इरादा किया। इब्ने नुमैर ने पूरी हदीस यहया कत्तान के उस हिस्से की तरह बयान की, अलबत्ता हदीस के आखिर में कहा कि इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा ये कहा करते थे, जो शख्स हज उमरा इकट्ठा यानी हज किरान की सूरत में अदा करे तो उसे एक ही तवाफ काफी है और वो उस वक्त तक एहराम से फारिग नहीं होगा जब तक दोनों से फारिग ना हो जाए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2991। मोहम्मद बिन रुम्ह और कुतैबा ने लई से, उन्होंने नाफे से रिवायत की कि जिस साल हज्जाज बिन यूसुफ इब्ने जुबैर के मुकाबले में उतरा उस साल हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा ने हज का कस्त फरमाया। उनसे कहा गया, लोगों के माबेन तो लड़ाई होने वाली है, हमें खदशा है कि वो आपको बैतुल्ला से पहले ही रोक देंगे। उन्होंने फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना है। मैं इस तरह करूंगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। मैं तुम्हें गवाह ठहराता हूँ कि मैंने खुद पर उमरा वाजिब कर लिया है। फिर रवाना हुए। जब मकाम बैदा की बुलंदी पर पहुंचे तो फरमाया, किसी रुकावट के बाइस बैतुल्ला तक न पहुंच सकने के लिहाज से हज उमरे का मामला यकसा ही है। लोगों तुम गवाह रहो। इब्ने रुम की रिवायत है, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, मैंने अपने उमरे के साथ हज भी खुद पर वाजिब कर लिया है और वो कुर्बानी जो मकाम कुदैत से खरीदी थी उसे साथ लिया और हज और उमरा दोनों का तलबिया पुकारते हुए आगे बढ़े हत्ता के मक्का आ पहुंचे।
वहां आपने बैतुल्लाह का और सफा और मरवा का तवाफ किया। इससे ज्यादा कोई और तवाफ नहीं किया, ना कुर्बानी की, ना बाल मुंडवाए, ना कुतरवाए, और ना किसी ऐसी ही चीज को अपने लिए हलाल करार दिया जो एहराम की वजह से आप पर हराम थी। यहां तक कि जब नहर का दिन यानी 10 ज़िलहज आया तो आपने कुर्बानी की और सर मुंडाया। उन यानी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय यही थी कि उन्होंने अपने तवाफ के जरिए से हज उमरे यानी दोनों का तवाफ मुकम्मल कर लिया है। और इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था, एक तवाफ के साथ सही की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2992। अय्यूब ने नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से यही किस्सा रिवायत किया है, अलबत्ता उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ हदीस की इब्तिदा में किया जब उनसे कहा गया कि वो आपको बैतुल्लाह तक पहुंचने से रोक देंगे। उन्होंने कहा, मैं उसी तरह करूंगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और हदीस के आखिर में ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था जैसा कि लईस ने कहा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2993। यहया बिन अय्यूब और अब्दुल्ला बिन औन हिलाली ने हदीस बयान की, कहा हमें अबाद बिन अबाद मुहल्लबी ने हदीस बयान की, कहा उबैदुल्ला बिन उमर ने नाफे से, उन्होंने इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है। यहया की रिवायत में है, इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हज का तल्बिया पुकारा। और इब्ने औन की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज का तल्बिया पुकारा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2994। हुमैद ने बकर से हदीस बयान की, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज उमरे का इकट्ठा तल्बिया पुकारते हुए सुना। बकर ने कहा मैंने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह बात हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताई तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले हज ही का तल्बिया पुकारा था। बकर ने कहा फिर मेरी मुलाकात हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई तो मैंने उन्हें यानी इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल सुनाया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उस वक्त के लिहाज से तुम हमें बच्चे ही समझते हो, हालांकि ऐसा न था, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लब्बैक उम्रतन व हज्ज, ऐ अल्लाह मैं हज और उमरे के लिए हाजिर हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2995। हबीब बिन शहीद ने बकर बिन अब्दुल्ला से रिवायत की, कहा हमें हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान की कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने उन दोनों को मिलाया था, हज और उमरे को। बकर ने कहा मैंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से उसके मुतालिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया हमने सिर्फ हज का तलबिया कहा था। बकर ने कहा फिर मैंने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रुजू किया और उन्हें इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात बताई। उन्होंने जवाब दिया जैसे हम तो उस वक्त बच्चे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2996। इस्माइल बिन अबी खालिद ने वबरा से रिवायत की, कहा मैं हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा हुआ था कि उनके पास एक शख्स आया। उसने पूछा क्या अरफात पहुंचने से पहले मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता हूँ? उन्होंने जवाब दिया हाँ कर सकते हो। उसने कहा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो कहा है कि अरफा पहुंचने से कबल बैतुल्लाह का तवाफ न करना। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे जवाब दिया सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया तो आपने मैदान अरफात पहुंचने से कबल बैतुल्लाह का तवाफ किया था। अब सोचो कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल अपनाओ ये ज्यादा हक है या ये कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, अगर तुम उनके बारे में सच कह रहे हो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2997। बयान ने वबरा से रिवायत की, कहा एक शख्स ने सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया मैंने हज का एहराम बांधा है तो क्या मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर लूं? उन्होंने फरमाया हाँ तुम्हें क्या माने हैं? उसने कहा मैंने इब्ने फुलां यानी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है कि वो इसे नापसंद करते हैं और आप हमें उनसे ज्यादा महबूब हैं। हमने देखा है कि दुनिया ने उन्हें फितने में डाल दिया है।
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم میں سے کون یا تم میں سے کون جسے دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا؟ تم ان پر دنیا داری کا اعتراض نہ کرو۔ پھر فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حج کا احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ اب سوچو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی پیروی کا زیادہ حق ہے یا فلاں کے راستے کا کہ اس کی اتباع کی جائے، اگر تم سچ کہہ رہے ہو؟ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2998۔ سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، کہا، ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو عمرے کی غرض سے آیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا لیکن ابھی صفا مروہ کی سعی نہیں کی، کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو آپ نے بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا فرمائی اور پھر صفا مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگائے۔ اور یاد رکھو، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2999۔ حماد بن زید اور ابن جریج دونوں نے عمر بن دینار کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عیینہ کی گزشتہ حدیث کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3000۔